Welcome to Simply Lakshmi's Life. When we wake, hear the birds and see the sun. Guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी अभी जस्ट बारिश भी हो गया, धूप भी आ गया और क्लाउड जो है ना धीरे धीरे आ रहा है। शायद बारिश हो सकती है और भी ज़्यादा, लेकिन कुछ दिनों से ना वेदर क्लाउडी है, बारिश नहीं हो रहा था। बट हर जगह पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे बोल रहे हैं और हमारे नेटिव में भी बहुत बारिश हो रही है। बट बैंगलोर में क्यों नहीं हो रहा है, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। मैं अतुल को वही बोल रही थी कि पता नहीं इस साल बैंगलोर में बारिश होगा या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगा। खसखस के साथ मूंग की दाल और ये अंडा करी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अंडा का कलिया। अच्छा माछिया कलिया बोली ना, सही बोलो, ये अंडा का कलिया है ना, अंडा कलिया है, अंडा कलिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है और ये रोटी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ, अंडा मसाला बोलते हैं, अंडा मसाला। हाँ, तो फाइनली इसका नाम मिल गया मुझे। तो हाँ, ये अंडा मसाला है, ये मूंग की दाल है और ये है तुरई आलू खसखस के साथ और ये है भूतनी। भूतनी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको सिंपली लक्ष्मी लाइफ में देखने को मिलेगा। ये देखिए अनोखा अनोखा। ये है होममेड माउथ फ्रेशनर, जो सोप होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा मैं बना के रखती हूँ। थोड़ा बहुत हेवी कुछ खा लिया, रात को कुछ नॉनवेज वगैरह खा लिया, तो ये सब मेरा यूज़ होता है। और सोप जो है वो मैं रोस्ट करके रख देती हूँ, जब कुछ कुकिंग के लिए मुझे चाहिए होता है तब भी मेरा यूज़ होता है। और ये देखो ये रही, ये कौन है, कौन है ये, इसको तो नहीं जानते हम लोग। हाँ, ये भूतनी है। हाय तो बोलो। हाय हाय हाय। हाँ बस बस, और नहीं जरूरत नहीं है कुछ। और देखो भूतनी क्यों ना बोलूं, इसका हेयर तो कभी ठीक नहीं रहता है। मैंने बोला कि मैं आपका हेयर ट्राई कर दूं, नहीं नहीं करना है मुझे। इतना देखिए तो स्टोर करना नहीं, स्टोर करना नहीं। हाँ तो उसके काम का हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, कृति का काम का हो जाएगा, क्या करना है इससे। मारता तो ढूँके कुबे ना ना ढूँके अबे मारता तो कुबे छोटो मारता। और हाँ, आज एक्चुअली जामाई सोचती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब अतनु के ससुराल में जामाई सोचती नहीं है। ये
नहीं एक्चुअली हम लोगों का ना जामाई बांधना होता है, वो भी दिवाली के टाइम, मतलब दिवाली के दूसरे दिन हमारे जामाई बांधना होता है। जामाई तो, को बांध के रखा जाता है। हाँ जामाई को बांध के रखा जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जामाई बांधना मीन्स उस दिन जामाई षष्ठी के जैसे ही अच्छा अच्छा खाना जामाई को दिया जाता है और जामाई को ससुराल जाना पड़ता है। बट अतनु ना ही शादी के बाद से एक बार भी अटेंड कर पाया और ना ही जो होता है ना जामा यादोर जो बोलते हैं वो अतनु को मिला। तो ये सब मामले में अतनु बहुत क्या बोलूं, हाँ ये सब मामले में अतनु बहुत अनलकी है क्योंकि हम लोग इतना दूर रहते हैं, इतने दूर रहते हैं कि हम लोगों को ये सब मौका नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और जामाई सृष्टि तो हमारा नहीं है, मतलब मेरे मायके पे नहीं है, तुम तो घर ऐसे नहीं ना। हाँ तो हमारे उस साइड में किसी का नहीं, नहीं मेरी मौसी के घर में है, मेरे हाँ मेरे मौसी के घर में है, मेरे मामा के घर में है क्या, तो नहीं नहीं मेरे मामा के घर में नहीं है, तो किसी किसी का है। और जिन लोगों के घर में है उन लोगों के घर में तो आज मतलब क्या बोलूँ, जामाई का तो हाँ भूरी भोजन एकदम महाभोजन हो रहा है। तो मैंने अतनु को अंडा करी खिला दिया है जामाई षष्ठी में, अंडा करी पोस्ट तो, अरे आप आपको फेवरेट पोस्ट तो खिला दिया है, मूंग की दाल खिला दी, खाते हैं मैं सिर्फ एक ही आइटम में काम चला लिया। आपको तो बाकी सारा कुछ आपको मतलब खाना ही नहीं है, मतलब देना ही नहीं है आपको, क्या दूं मैं आपको, बहुत सारा आइटम है नहीं दूसरे किसी दिन खिला देंगे, वो नियम का ब्रेक हो जाएगा है ना, इन खिला देंगे। हाँ चलो। और हाँ हमारा मधुमक्खी, आप लोगों ने बोला था ना कि आपकी मधुमक्खी का क्या हाल है, तो मधुमक्खी अभी भी मतलब अभी फिर से वापस आ गया है, ऐसा दो दिन हुआ है अतनु ने भगाया फिर वापस आ गया, लेकिन वो लोग ना अभी उसके बाद दो दिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो मुझे लगता है कि दो दिनों में ना वो लोग खुद ही चले जाएंगे, दो दिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया था है ना। हाँ, लग तो रहा है, लग तो रहा है जिस तरह से आज मतलब दिख रहा है कि वो सब मतलब छितर बितर हो गए हैं। हाँ। फिर से ट्राई कर रहे हैं, लग रहा है कि एक दो दिन में वो चले जाएंगे। तो इसके लिए दो दिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ डिस्टरबेंस नहीं किया है, लेकिन आज नहीं गया तो अतनु फिर से आज तो रात को मैं फिर से अतनु अपना मिशन स्टार्ट करेगा। दिनों के बाद मैं लेके बैठी हूँ कुछ शॉपिंग, जी हाँ मैंने किचन के लिए किया है कुछ शॉपिंग बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इस पैंडेमिक में ना सारा सामान जो है वो अनअवेलेबल हो गया था, कुछ भी डिलीवरी नहीं मिल रहा था, तो बहुत दिनों से ये सब मेरे कार्ट में था, तो वही मैंने इसको ऑर्डर कर लिया फाइनली। तो फाइनली आज ये चार प्रोडक्ट मेरे पास आके पहुंचा है, धीरे धीरे बहुत सारी शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा लिस्ट है मेरा। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जो सामान मैंने ऑर्डर किया है वो कैसा है। सो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं क्योंकि यही सबसे पहले आया है और सारे सामान को मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। एक्चुअली ये जो पैकेट था ना ये दो दिनों से मेरे पास था, तो मैंने इसको एक साइड में रख दिया था, तो इसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी सारा सामान मैंने सैनिटाइज कर लिया है। तो ये एक स्टैंड है, इसको पहले ओपन करते हैं। तो ये ब्लैक कलर का दो स्टैंड है जिसको मैं इस तरह से भी यूज कर सकती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये मैंने कुछ ग्लास कंटेनर ऑर्डर किया, तो ये 6 ग्लास कंटेनर है जो मैंने ऑर्डर किया था और वो इस टाइप का है और ये सेलो कंपनी का है, ये देख सकते हैं आप। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी, मुझे नहीं पता ये कैसा है कैसा नहीं, बट मैंने देखा कि इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है ये और ग्लास ट्रांसपेरेंट होने के कारण कुछ भी सामान आप रखो तो इजीली आप देख सकते हो कि आपका कौन सा सामान इसमें है, तो लेना भी बहुत इजी हो जाता है, यूज़ करना बहुत इजी होता है इससे। ओके तो उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, ये दो बहुत ही क्यूट सा प्लांटर है,
मैंने किचन के लिए लिया है। लास्ट टाइम मैंने जो सेफ लिया था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सो ये है मेरा सबसे लास्ट वाला। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और ये कप सेट है, तो मेरे पास इस टाइप का पहले दो था तो वो टूट गया था। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने फिर से इसको लिया है। ये था मेरा किचन के लिए कुछ शॉपिंग। तो इसका सारा लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अमेजोन से परचेस किया है और मैं जो किचन में यूज करती हूँ, आप में से बहुत सारे फ्रेंड बोलते हो कि आप वो सारे चीजों का लिंक जो है नीचे डाल के रखिएगा। तो इस वीडियो में आपको मेरे किचन का सारा जितना भी मैं सामान यूज करती हूँ सबका लिंक मिल जाएगा। इवन जो यूटेंसिल्स भी मैं यूज करती हूँ उसका भी लिंक मैं इस मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बहुत सारा सामान अभी तक मुझे मतलब मेरे लिस्ट में है जो अभी भी डिलीवरी नहीं हो रहा है, बहुत जल्द मुझे मिल जाएगा आई होप, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, तो सामान तो मैंने रख लिया है। अभी ये जितना सारा पैकेटिंग है ना इसको अभी फेंकना है। अगर कृति ने देख लिया ना तो सारा कुछ वो रख देगी। तो चलिए उससे उसके देखने से पहले ना ये सब मुझे सामान एकदम क्लीन कर देना है ताकि उसके हाथ ना लगे। तो ये कुछ मेरा किचन का शॉपिंग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये सारा सामान मैं कहाँ पे रखती हूँ। और इसके साथ और भी कुछ मैंने ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कब तक आता है। थोड़ा बहुत जो आया था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि अभी क्या है ना टाइम का कुछ मतलब ठीक नहीं है। कुछ कुछ सामान आने में मतलब लेट हो रहा है, कुछ कुछ सामान ऐसे पहुँचने में डिले हो रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ कोई भी शॉपिंग शेयर नहीं किया था, आप बोल ही रहे थे आप लोग। तो एक्चुअली कारण ये था ना कि ये पैंडेमिक के वजह से ना बहुत सारा सामान अवेलेबल नहीं था। तो चलिए आज का व्लॉग हम लोग ये पेंट करेंगे। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है सबको, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यस यस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। हां, वी वेक birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good